चुप रहने के 15 फायदे। एक, अगर आप चुप रहना जानते हैं तो लोगों से आप उलझोगे नहीं और अपना काम में ज्यादा फोकस कर पाएंगे। दो, कम बोलने से और जरूरत हो तभी बोलने से लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और ज्यादा महत्व देते हैं। तीन, चुप रहने से आपके सीक्रेट बाहर आने की संभावना कम रहती है। चार, चुप रहने से हम दूसरों की बातों को अच्छी तरह सुनते हैं और उनको बेहतर रूप से समझ सकते हैं। पाँच, जितना कम बोलोगे लोग उतना तुमसे बात करना पसंद करेंगे। छह, चुप रहने से आप बिना जरूरत की बातचीत को बोलने से बचते हैं, जिससे आपका समय बचता है। सात, कुछ देर चुप या मौन रहने से हमारे दिमाग में नई नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। आठ, चुप रहने से दिमाग शांत रहता है और गुस्सा भी नियंत्रित रहता है। नौ, चुप रहने से तनाव कम हो सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। दस, मौन एक पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। 11. मौन आपको अपने उद्देश्य ढूंढने में सहायता करता है। 12. मौन रहने से आप खुद को और खुद की क्षमता को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 13. मौन आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सहायता करता है, साथ ही आपको अधिक धैर्यवान बनाता है। 14. चुप रहने से समझने के लिए समय मिलता है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 15. एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम दिन भर में कुछ मिनट शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और बेहतर काम करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।